कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू रेसिपी लाई हूँ, बहुत ही इजी डिनर रेसिपी, पालक पनीर, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत टेस्टी बनती है और जल्दी भी बन जाती है। आधे घंटे से भी कम टाइम लगेगा और ये सब्जी रेडी हो जाएगी। तो आप सामान देख रहे हो, इसमें कितना बेसिक सामान है। सिर्फ मैंने चॉप्ड अनियन लिए हैं और ये लहसुन मिर्चा को हल्का बारीक चॉप कर लिया है, जीरा है, अदरक लहसुन मिर्चे का पेस्ट है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, और ये तेज पत्ता और कटा हुआ पनीर, थोड़ी सी क्रीम है, बटर, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये पालक की प्यूरी। पालक की प्यूरी आपको कैसे करनी है, बस बॉईल आए, थोड़ा सा पालक उसमें आप डालें और ओवर बॉईल मत करिए उसको, हल्का सा ग्रीन कलर उसका होना चाहिए, बस उसको थोड़ा सा ठंडे पानी से उसको वॉश करके और उसकी प्यूरी रेडी कर लीजिए। तो ये है हमारा पालक पनीर का सामान, अब हम इसको बनाएंगे तो देखिए कितनी जल्दी बनता है ये पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पालक पनीर। तो हमने पैन रख दिया है, अब इसको थोड़ा सा हीट होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये बटर डालेंगे सबसे पहले। अगर आपके पास बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप देसी घी से भी बना सकते हो और रिफाइंड से भी बना सकते हो, बट इससे और देसी घी से बनाने में जो टेस्ट आता है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो मैं तो पालक पनीर के लिए बटर और घी ही यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा इसमें रिफाइंड हम डाल सकते हैं बटर के साथ। तो पहले हम ये बटर डालेंगे और बटर हमारा जले नहीं तो मैं थोड़ा सा रिफाइंड इसमें डालती हूँ। तो थोड़ा सा रिफाइंड भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये जीरा डालेंगे और अब हम ये तेज पत्ता डाल देंगे, फिर हम ये लहसुन और मिर्ची को भी और अब हम ये चॉप अनियन भी इसी में ऐड करेंगे। और ये जो अदरक लहसुन का पेस्ट है इसको मैं थोड़ा सा इसको पकने के बाद डालूंगी। और अब हम ये पेस्ट भी इसी में डाल देंगे। मुझे तो बहुत इजी लगती है ये सब्जी, बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपको इस हस्बैंड को टिफिन में देना है तो भी आप बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं। अगर आपकी रात में प्रिपरेशन नहीं भी है तब भी ये बहुत जल्दी बन जाता है, प्रिपरेशन है फिर तो टाइम ही नहीं लगना है, और रात में भी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी बन जाता है। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, ज़्यादा सामान भी नहीं है इसमें, तो आप लोग अच्छे से इसको बना सको और एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा ये वाली रेसिपी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ऑसम लगती है। तो देखिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाया है, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो गया है प्याज, और अब हम इसमें ये जो हमारे ड्राई मसाले थे वो सब हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करने से हमारे मसाले जो है वो जलते नहीं। तो हल्का सा ये भी मैंने इसको पका लिया है, अब हम इसमें हमारी ये पालक की प्यूरी ऐड करेंगे। आप
इसको ट्राई जरूर करिएगा, ये बहुत ही जल्दी बनती है। पहले हम पालक को थोड़ा सा तेज आंच पे फ्राई कर लेंगे। हल्का सा इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। तो इसको अब हम थोड़ी देर ढक के इसको पकने देंगे, उसके बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे। तो चलिए देखते हैं ओपन करके। और ये देखिए ये बॉईल हो रहा है। तो इसको गैस को मैं थोड़ा सा लो कर दूंगी और अब हम इसमें ये क्रीम जो मैं ऐड करूंगी ये। अब हम इसमें ये पनीर ऐड करेंगे। तो रेडी हो चुका है हमारा ये पालक पनीर और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत टेस्टी और बहुत जल्दी बन जाता है। तो मैंने ही तो ये डिनर में बनाया है, आप इसको जब भी बनाइएगा मुझे ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। आगे भी और अच्छी रेसिपी में मैं लेके आऊँगी। सो बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में।